स्वागत है बच्चों आपका आज की कक्षा में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास खंड से अध्याय 4। शीर्षक है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भाग 2। पिछली कक्षा में हमने जाना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ विद्रोह कैसे हुआ, बैरकपुर में मंगल पांडे को शहादत कैसे देनी पड़ी, मेरठ छावनी ने किस तरह पूरी पलटन के साथ विद्रोह कर दिया और वो सब किधर बढ़ चले, दिल्ली की ओर। तो आइए अब हम देखते हैं दिल्ली पहुंचकर क्या होता है। दिल्ली की ओर कहां कहां से विद्रोही पहुंचे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के तमाम हिस्सों से। देखिए मानचित्र में आपको दिख रहा है, ये जो मैंने नाम लिया उत्तर प्रदेश, मेरठ हो गया, वहाँ से बनारस हो गया, और आप पूर्वी हिस्से से देखिए बैरकपुर के ऊपर आरा आपको दिखाई दे रहा है, कानपुर, ये सारी जगहों से विद्रोही किधर चल पड़े, दिल्ली की ओर। अब दिल्ली पर जो भारतीय विद्रोही सैनिक थे, अंग्रेजी नहीं, भारतीय विद्रोही सैनिक, इन्होंने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो कब्जा किया तो इनको क्या करना पड़ा होगा, ब्रिटिश सैनिकों से लड़ाई करनी पड़ी होगी, मारकाट हुई होगी। इस तरह से दिल्ली में अंग्रेजी सेना को हराकर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया। और कब्जा करके क्या किया, जो सम्राट थे बहादुर शाह जफर, जो उस समय नाम मात्र के सम्राट रह गए थे, उनसे आग्रह किया कि आप दिल्ली की सत्ता संभालें। उन्होंने थोड़ी नानुकुर के बाद इस मांग को स्वीकार कर लिया और विद्रोहियों के साथ हो गए। उनके सेनापति के रूप में नाम आया बख्त खान का। अब विद्रोह का नेतृत्व कौन लोग कर रहे थे, अलग अलग जगह अलग अलग लोग विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, जैसे कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर हुए, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में तात्या टोपे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में कुंवर सिंह और रुहेलखंड में अहमद उल्ला। तो यहाँ आपको हिंदू और मुस्लिम सारे शासकों के नाम दिखाई दे रहे हैं। इन सभी ने मिलकर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। और घटनाक्रम क्या हुआ कि भारतीय सेना और ब्रिटिश सेना, इनके बीच जमकर विद्रोह हुआ, इनके बीच जमकर युद्ध हुआ। और इस युद्ध में कभी भारतीयों का पलड़ा भारी होता था तो कभी अंग्रेजों का। लेकिन बात ये थी कि ये युद्ध या फिर ये विद्रोह एक समय में एक ही दिन नहीं हो पाया जैसी कि योजना थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जिस दिन जहाँ पर विद्रोह होता था उस दिन वहाँ पहुँचकर भारतीय सेना को काबू में कर लेते थे। अगर सारी भारतीय सेना एक ही दिन एक ही समय पर विद्रोह करती तो ये अंग्रेज सेना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आपको याद होगा कि किस तरह ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी शहादत दी, बहादुर शाह जफर को पकड़कर काला पानी में अंडमान निकोबार भेज दिया गया और मृत्यु पर्यंत वो वहीं काला पानी की सजा में रहे। इसी तरह सभी नेताओं को, हमारे सभी विद्रोही नेताओं को अंग्रेजी सेना ने कुचल दिया। अब 1857 की क्रांति का छत्तीसगढ़ पर क्या प्रभाव पड़ा ये देख लेते हैं। और छत्तीसगढ़ में हम दो नामों को प्रमुखता से देखेंगे, पहले हैं वीर नारायण सिंह और दूसरे हैं हनुमान सिंह। तो आइए पहले हम देखेंगे वीर नारायण सिंह की शहादत। ये कौन थे बच्चों, ये बलौदा बाजार के सोना खान रियासत के जमींदार थे। ये अपने जन कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे। इन्हें हमेशा अपनी जनता के हित का ख्याल रहता था। तो क्या हुआ, सन 1856 में अकाल पड़ा और अकाल से जनता की स्थिति कष्टप्रद हो गई, भूखों मरने लगे। तब कुछ व्यापारियों ने अपने गोदाम में
माल छुपा कर रखा था ताकि समय पर महंगे दामों में सामान को अनाज को बेच सकें। तो वीर नारायण सिंह ने क्या किया, इन्होंने एक व्यापारी के गोदाम को लूट लिया, जबरदस्ती लूटा, लेकिन भलाई के लिए। किसकी भलाई के लिए? जनता की। और लूटे हुए माल को लोगों में बांट दिया। अब क्या हुआ, व्यापारी ने अंग्रेजों से वीर नारायण सिंह जी की शिकायत कर दी। अब शिकायत पे तुरंत इन्होंने कदम उठाया और वीर नारायण जी को बंदी बना लिया। फिर क्या हुआ, बंदी गृह से वीर नारायण सिंह भाग निकले और भाग के इन्होंने किसानों को संगठित किया और अपनी एक सेना बना ली और इन्होंने अंग्रेज पुलिस का मुकाबला किया। ये मुकाबला चल ही रहा था कि वीर नारायण सिंह के बहनोई जो देवरी के जमींदार थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दे दिया बच्चों, और उनके साथ देने से अंग्रेजी सेना का पलड़ा भारी हो गया। अब क्या हुआ, वीर नारायण सिंह को पुनः बंदी बना लिया गया और उसके बाद छत्तीसगढ़ के इस सपूत को जय स्तंभ चौक रायपुर में सरेआम फांसी दे दी गई। तो उनका शहादत दिवस है 10 दिसंबर सन 1857, और अभी भी हम उनकी शहादत की याद में उनको नमन करते हैं। ये है जय स्तंभ चौक रायपुर। जब भी आप यहाँ से गुजरे तो वीर नारायण सिंह जी की शहादत को जरूर नमन कीजिए। छत्तीसगढ़ के दूसरे सपूत थे हनुमान सिंह राजपूत। जैसे मंगल पांडे सेना में थे, उसी प्रकार हनुमान सिंह राजपूत भी छत्तीसगढ़ की अंग्रेजी सेना में भारतीय सैनिक थे। इन्होंने क्या किया, अंग्रेज अधिकारी सिडवेल की हत्या की। कब की? 18 जनवरी सन 1858 को। उसके बाद 22 जनवरी सन 1858 को हनुमान सिंह को तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन उनके 17 साथियों को पकड़ लिया गया और गिरफ्तार करके उन्हें फांसी दे दी गई। हनुमान सिंह जी अंत तक पकड़ में नहीं आए, लेकिन उनके 17 साथियों की जो शहादत हुई उसको हम नमन करते हैं बच्चों, और उनके नाम आपके सामने हैं, सर्वश्री गाजी खान, शिव नारायण, गुली, अब्दुल हमाद, पन्नालाल, माता दीन, बलीहू, ठाकुर सिंह, अकबर हुसैन, लाल सिंह, परमानंद, बदलू, दुर्गा प्रसाद, शोभा राम, नूर मोहम्मद, देवदीन, शिव गोविंद। इन नामों में भी आपको हिंदू और मुस्लिम दोनों ही नाम बराबरी से दिख रहे होंगे। वीर हनुमान सिंह जी छत्तीसगढ़ के सपूत रहे। तो 1857 में जब भारतीयों ने इतना विद्रोह किया तो सफल क्यों नहीं हो पाए, क्यों नहीं हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को भगा दिया, इसके कुछ कारण हैं। जैसे क्रांति का अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर होना। दूसरा है सक्षम नेतृत्व का अभाव, मतलब कि एक बलिष्ठ नेता हमारे पास नहीं था जो कि इस पूरी घटना को नेतृत्व दे सकता। तीसरा है हथियार और धन की कमी। अंग्रेजी सेना के पास एक से बढ़कर एक हथियार थे जबकि हमारे पास नहीं थे, और हथियारों का इंतजाम करने के लिए धन भी नहीं था। अगला है शिक्षित वर्ग द्वारा आंदोलन में भाग न लेना। शिक्षित वर्ग ने सोचा कि इस आंदोलन से हमें क्या लेना है, ये तो सैनिकों की समस्या है, ये तो रजवाड़ों की समस्या है। इस तरह वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी से बच निकले, इसलिए भारतीयों का पलड़ा कमजोर हो गया। अधिकतर रजवाड़ों द्वारा आंदोलन में भाग नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि उनके बीच में एकता नहीं थी और साथ ही संचार तंत्र की कमी थी। जैसे कि किसी विद्रोह में हमें कुछ योजना बनानी है और उस योजना को दूसरों तक पहुंचाना है तो हमें कुछ माध्यम की आवश्यकता होती है, और यहाँ पर कोई भी माध्यम नहीं था। अब उस समय टेलीफोन ये सब तो हुआ नहीं करते थे, तो आपस में संपर्क करना बहुत ही कठिन हो गया था।
अब 1857 का विद्रोह यूं तो अंग्रेजों के पक्ष में रहा, लेकिन अंग्रेजी सेना और अंग्रेजी शासन समझ गया कि अब भारतीयों पर राज्य करना उतना आसान नहीं रह गया है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषणा पत्र जारी किया जाता है और उसके 3 प्रमुख बिंदु हैं। पहला, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति। इसे आप अच्छे से समझें कि भारत में अंग्रेजी राज खत्म नहीं हुआ है, यहाँ एक कंपनी का राज खत्म हो रहा है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी दरअसल एक व्यापारिक कंपनी थी, तो उसका शासन यहाँ पर होता है समाप्त। तो ये पहला परिणाम है विद्रोह का। और दूसरा है, भारत पर सीधे इंग्लैंड की संसद का राज। महारानी विक्टोरिया ने कहा कि अब भारत पर सीधे इंग्लैंड की संसद का नियम कानून चलेगा, ठीक है। तीसरा है, भारत के धार्मिक और सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का निर्णय। तो बच्चों, भारत में उस समय कई ऐसी प्रथाएं थी जिसके विरुद्ध अंग्रेजी शासन ने कानून बनाए, जैसे कि सती प्रथा। सती प्रथा को समाप्त करने का कानून बनाया गया, जैसे कि विधवा विवाह नहीं होता था तो इन्होंने कहा कि विधवा विवाह होना चाहिए। बाल बालिका वध, लड़कियों की हत्या कर दी जाती थी तो ऐसी हत्या करने वालों को सजा देने का प्रावधान। तो कुछ तो अंग्रेजों का उद्देश्य सामाजिक सुधार था, परंतु इसको पसंद किसने नहीं किया? जो परंपरावादी भारतीय लोग थे, रूढ़िवादी लोग थे, उन्होंने इस सुधार को पसंद नहीं किया। उन्हें क्या लगा कि धीरे धीरे करके अंग्रेज हमारी परंपराओं को और हमारे धर्म को नष्ट कर देंगे, इसलिए उनके मन में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विरोध आया। और विद्रोह का एक परिणाम देखते हैं प्रशासनिक रूप से क्या हुआ। पहले गवर्नर जनरल होता था कंपनी का, अब ये पद समाप्त हो गया और एक नए पद की शुरुआत हो गई, वायसराय के पद की। वायसराय ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में भारत का प्रमुख प्रशासक होता था। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि अंतिम गवर्नर कौन था, लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम वायसराय कौन था, यही लॉर्ड कैनिंग। एक ही व्यक्ति है जो गवर्नर जनरल के रूप में अपने कार्य को ख़त्म करता है और वायसराय के रूप में शुरू करता है, ठीक है। तो यहाँ दोनों पे आपको लॉर्ड कैनिंग का नाम याद रखना है। और एक परिणाम हुआ कि भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। लोगों के मन में आया कि हम भारत के खोए हुए गौरव को फिर से लाएंगे, हम अपने देश को स्वतंत्र करेंगे। और भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास भी यहीं से शुरू होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने इस पाठ में और क्या पढ़ा। हमने पढ़ा 1857 के विद्रोह की घटनाएं, विद्रोह के प्रमुख केंद्र, विद्रोह की असफलता के कारण और विद्रोह के कुछ परिणाम। तो अब बारी आती है कक्षा कार्य की। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं बच्चों। प्रश्न एक, बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? उत्तर है कुंवर सिंह ने। प्रश्न दो, शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी कब दी गई? उत्तर 10 दिसंबर 1857 को। प्रश्न तीन, हनुमान सिंह राजपूत ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की? और इसका उत्तर है सिडवेल की। अब गृह कार्य के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न एक, भारत के मानचित्र में 1857 के विद्रोह के प्रमुख स्थानों को दर्शाइए। प्रश्न दो, सन 1858 के घोषणा पत्र में, जो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र है ना, उसमें कौन सी बातें कही गई हैं, ये आपको बताना है। प्रश्न तीन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं के चित्र एकत्रित कीजिए। तो यहाँ हमारी कक्षा होती है समाप्त। मिलते हैं अगली कक्षा में।
धन्यवाद।